हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, फाइनली एडमिशन एंड मोमेंट पे है। आज अपन सारी की सारी कॉलेजों की अपडेट जानने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज की क्या सारी अपडेट है। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन काम का वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड CUET UG PG से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी की सारी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट डाली जाती है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। जिन भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आया, वो 28 अक्टूबर को काउंसिलिंग में ज़रूर से पार्टिसिपेट करें। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आए, जिनके पास ओरिजिनल नहीं है डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है गाइस? तो अगर अपन देखें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से, तो गाइस यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स साइंस जो भी है इस कोर्स के लिए इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इन बच्चों को एडमिशन के लिए कॉल दिया गया है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कोर्सेज के अंदर, जैसा कि ये स्टूडेंट है और इनके लिए जो भी क्राइटेरिया एंड प्रोसेस है। सो यहाँ पे कुछ रिगार्डिंग द सिलेक्शन रेशियो एंड फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह कुछ शो किया गया है कि आपको कितनी फीस जमा करनी है। हालांकि रिपोर्टिंग टाइम, अटेंडेंस वगैरह वगैरह सारा सब कुछ दिया गया है। जो भी स्टूडेंट है 3 नवंबर को जस्ट लाइक जो भी कैंपस यहाँ पे शो किया गया है वहाँ पे जा सकता है एडमिशन के लिए। ओके, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट दिया गया यहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और बेटर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और CUET एडमिशन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो फीस पे करनी है वो इतनी फीस पे करनी है जो कि यहाँ पे डिटेल के अंदर दी गई है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया कि किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट का। तो गाइस इस प्रकार से CUET जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसको काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। जोसा वगैरह में काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है इसका। ओके, उसके बाद कुछ और कोर्सेज कॉलेजों की बात। गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से अभी तक एडमिशन के रिगार्डिंग आफ्टर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस अभी कोई नया नोटिस नहीं आ रखा है, लेकिन आप लोग जो अपनी ईमेल आईडी को ज़रूर से चेकआउट करते रहे, बिकॉज बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपको ईमेल वगैरह डालते रहते हैं अगर उनके पास सीटें अगर वैकेंट होती है तो उस कंडीशन का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर स्पेशल एक नोटिस आया 15 अक्टूबर को, उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं आया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह शो की गई है, 18 अक्टूबर के बाद में भी इनको कोई नोटिस भी रिलीज नहीं किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की अपडेट जानते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है? जिन भी बच्चों ने हमारा CUET गाइडेंस प्लान ज्वाइन नहीं किया ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया, CUET UG PG के व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए, वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट डाली जाती है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपन देखते हैं कुछ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे गाइस कुछ और भी अपडेट आ रखी है रिगार्डिंग द नोटिस वगैरह। एंड 27 को आज एक अपडेट आया रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन बच्चों को होने वाला है उनके लिए नोटिस आ रखा है, तो ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा। ठीक है, ओके देन, और ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे PG के एडमिशन हो रहे हैं, UG के भी एडमिशन हो रहे हैं, दोनों ठीक चल रहा है। उसके बाद आता है यार इफ्लू। इफ्लू की काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है, इफ्लू की तरफ से क्या अपडेट है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। गाइस इफ्लू की तरफ से यही अपडेट आ रखा है कि इफ्लू में जो है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, तो जिन भी बच्चों का एडमिशन हो गया है बहुत अच्छी बात है। इनकी तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जल्द ही रिलीज करने के चांसेस है। आपको यहाँ पे जो है जाना है, यहाँ पे आपको CUET UG पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक नोटिस शो हो रहा होता है रिगार्डिंग द UG एडमिशन, तो वो नोटिस क्या है? सॉरी, ये तो काफ़ी पुराना नोटिस है। ठीक है, तो गाइस ये जो कॉलेज है इसके रिगार्डिंग अपडेट आ रखा है रिगार्डिंग द, यहाँ पे काफ़ी सारी सीटें वगैरह वैकेंट हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी सीटें PG प्रोग्राम में भी निकली है और UG प्रोग्राम में भी जो भी है रैंक के बेसिस पे जो भी सीटें अगर बची है तो आप इनसे कांटेक्ट करके जस्ट लाइक ले सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमारा CUET का पेड काउंसलिंग प्लान,
ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे एडमिशन व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। गाइस सिक्किम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, एंड जस्ट लाइक जो भी कोर्सेज है स्पेशली फर्स्ट सेलेक्टेड लेट फॉर हॉस्टल के लिए भी लिस्टें आ चुकी है, यूजी वाले बच्चों के लिए आ चुकी है, पीएचडी वाले बच्चों के लिए आ चुकी है। तो ये भी सारा का सारा प्रोसेस जल्द ही कंप्लीट होगा। अभी एडमिशन ऑलमोस्ट कॉलेजों में एंडिंग पे है। जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजों में हम आपका एडमिशन करा देते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है? गाइस रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री में बीएससी योगा वगैरह जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, शास्त्री बीए योगा एंड जो भी शास्त्री में बीए करना चाहते हैं, उसके लास्ट तारीख है 31 तारीख, ठीक है। उसके बाद हम यार बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में। तो गाइस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग द एडमिशन, और आप उनकी वेबसाइट पर लगातार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडमिशन से रिलेटेड, जस्ट लाइक राजीव गांधी हो चुका है हमारे पास। उसके बाद हमारी आती है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है इसको, ठीक है। गाइस पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से देख सकते हो सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो अपनी जो है यहाँ पर फीस वगैरह पे कर दें। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में देखते हैं अपन। गाइस अभी एडमिशन चल रहे हैं, लगातार नोटिसेस आ रहे हैं जैसा कि देख सकते हो एमए एंड अदर एंड अदर। हालांकि यहाँ पे कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी पे जो आप लोग लगातार विजिट करते रहिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ओके उसके बाद मैं बात करता हूँ नागालैंड यूनिवर्सिटी की। नागालैंड यूनिवर्सिटी में जो है आप उनके डिपार्टमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हो डिटेल क्या सारी एडमिशन का प्रोसेस रहा है। हालांकि नीचे आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन 2022 बीएड बीएससी एग्रीकल्चर जो भी अदर अदर डिपार्टमेंट है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग एग्रीकल्चर पे जाके इनके सारे के सारे अपडेट जान सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि किस तारीख को जस्ट लाइक जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्टें जारी करते रहते हैं ये लोग। ओके सो इस प्रकार से जो एडमिशन इनका जो है कंडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यार मिजोरम यूनिवर्सिटी की। मिजोरम यूनिवर्सिटी की तरफ से भी लगातार एडमिशन अपडेट आती जा रही है। आप लोग जो है लगातार इनके वेबसाइट पर विजिट करते रहिए रिगार्डिंग द एडमिशन। ओके उसके बाद हम बात करते हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे इतने दिन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, अभी क्या चल रहा है वो देखते हैं अपन। बस यहाँ पर जो है न्यू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। लगातार आगे बढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है, वीडियो खत्म होने वाला है। उसके बाद हम मैं बात करूंगा यार मणिपुर यूनिवर्सिटी की। मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट देखेंगे क्या अपडेट है एडमिशन की। जैसा कि देख सकते हो मणिपुर यूनिवर्सिटी के अपडेट आ चुकी है अप्लाइंग दिस लाइक रिमार्क एंड अदर एंड अदर एंड अदर, जो कि जो भी डेटा वगैरह दी गई है लगातार यहाँ पर लिस्टें आती जा रही है काउंसलिंग से रिलेटेड। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ते हुए मैं देखूंगा उसके बाद ऊपर के जो कॉलेजेस बच चुके हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर जो है काउंसलिंग से रिलेटेड लगातार नोटिस आते जा रहे हैं, लगातार न्यू लास्ट डेट, कभी पीजी के एक्सटेंड कर दी जाती है, कभी यहाँ पे एडमिशन की मेरिट लिस्टें आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जिन भी बच्चों के कम मार्क्स हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है। आपका जो है कम काउंसलिंग चार्ज के अंदर अच्छा एडमिशन करा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पे, जिनका सिलेक्शन हुआ है मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा जल्दी। उसके बाद यार हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी थी, इनकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्दी आने वाली है। एंड फेक ऑफिस ऑर्डर इन सर्कुलर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। ये फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले, इन लोगों ने कहा कि इसको आप लोग इग्नोर करें। आज फिर से नोटिस आया पीजी एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट भी रिलीज की गई है श्रीनगर कैंपस की तरफ से, तेरी कैंपस की तरफ से मेरिट अपडेट आई है। लगातार यार लिस्टें आती जा रही है। जिन भी बच्चों ने हमारा सीयूटी का पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। आपका जो है काफ़ी लो मार्क्स पे हमारी टीम एडमिशन करा देती है। सीयू हरियाणा में यार यूजी एडमिशन होने वाला है 30 अक्टूबर को, जल्द से जल्द आप लोग विजिट करेंगे यूजी वाले बच्चे। 3 नवंबर को पीजी वाले बच्चे अपडेट करेंगे। गुजरात का मैं अलग से वीडियो डालूंगा, ये जो बाकी कॉलेज बच गए उनका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो एंड हो रहा है बिकॉज 10 मिनट का टाइम ही मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को करते नहीं हो, जिन्होंने जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको दिल से सलाम गाइस।
थैंक यू सो मच। अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड अदर कॉलेज।